गरीब विधवा का एक का बेटा था। पुराने टाइम की बात से बुढ़िया ने बात बात में राजा का जिक्र कर दिया तो छोरा बोला, हाँ माँ, मैं कदे जिंदगी भर राजा से बात भी कर पाऊंगा, राजा से मिल सकूं हूँ मैं। बुढ़िया हंसन लागी, नुमली बेटा कहाँ राजा और कहाँ हम गरीब। पर फिर भी बुढ़िया का वह बात घर कर गई। थोड़े दिन हम एक संत पधारे, बुढ़िया भाजी भाजी गई कि मेरा छोरा राजा से मिलना चाहो है, संत जी को जुगाड़ बताओ ना। संत कहने लगे, मेरे पास भेजना उस लड़के को। विधवा का लड़का संत जी के पास पहुंच गया। महाराज जी, कोई भी तरीका बताओ, मैं करूंगा। मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूं, लेना कुछ नहीं चाहता, पर मैं देखना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। संत जी ने सोच विचार के बताया कि नए महल का निर्माण होने लग रहा है और तू वहां जाके मजदूरी करने लग जा। और एक बात का ध्यान रखना, मेहनत करते वक्त को कमी मत छोड़ना, और कोई भी पैसा ठेकेदार दे तो लेना मत। छोरा तो अगले दिन पहुंच गया, महल बनने लग रहा था, मिस्त्री लग रहे थे, पत्थरों की गढ़ाई चल रही थी। छोरा भी जाके उस तई जो काम दिया वो करने लग गया। महीना, 20 दिन, 1.5 महीना, 3 महीने हो गए। ठेकेदार पेमेंट करने लग गया तो कहने लगा, नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए। ठेकेदार की बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये कैसा मजदूर है, इसको पैसे नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद राजा का दौरा हुआ, इतनी तन्मयता से काम करते हुए लड़के को देख के राजा कहने लगे, ये कौन है? उन्होंने बताया, जी ये बड़ा काम का मजदूर है, बहुत लगन से काम करता है, और खास बात यह है कि मजदूरी नहीं लेता। राजा ने अपने पास बुलाया और कहने लगा, नौजवान, आप अपने काम की मजदूरी क्यों नहीं लेते? ऐसा कहते ही छोरा राजा के पैरों में लेट गया। महाराज, मुझे तो बस आपसे एक बार मिलना था, मेरी सारी मजदूरी वसूल हो गई। और वो इतना खुश हो गया कि राजा ने उसको बहुत सारा इनाम दिया। बात राजा और लड़के की नहीं है, जो भी काम हम लक्ष्य निर्धारित करके करते हैं, लड़के का लक्ष्य था राजा से मिलना, वो उसका जरूर पूरा हुआ। पर समस्या ये है, जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, फिर वहाँ से कुछ मिलता भी खास नहीं है। अगर आपका कोई विशेष लक्ष्य है ना, तो उसके लिए विशेष प्रयास हमें करने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो चाहते हो वो ना हो। बस शर्त ये है, मन लगा के पूरी तन्मयता से उस काम में डूब के पूरी लगन से करो तो सफलता हासिल होती है।